नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि अब आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज हम इंद्रायड के फायदों के बारे में बात कर रहे हैं। इंद्रायड एक लता होती है जो पूरे भारत में पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। यह खेतों में भी उगाई जाती है। इंद्रायड तीन प्रकार की होती है, पहली छोटी इंद्रायड, बड़ी इंद्रायड और तीसरी लाल इंद्रायड। तीनों प्रकार की इंद्रायड में लौह 50 से लेकर 100 तक फैलाते हैं। इसे हमारे यहाँ और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोलोसिनत, बाइटर एप्पल, इंद्रा वडोड़ी, इंद्रफल, महाफला और अलकामादी। इंद्रायड का आयुर्वेदिक में कई सारे रोगों में उपचार दिया जाता है। यह दस्त लाने वाला, कफ और पित्त नाशक तथा पीलिया, लिहाज, तिल्ली, पेट के रोग, दमा, खांसी, सफेद दाग, गैस, गठिया, जक, वीर्य विकार, गले में गिल्टी हो जाना और यह सब चीजों को नष्ट करने में काफी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आज हम इंद्रायड के फायदों के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं ये किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह बालों को काला करता है। इसके लिए इंद्रायड के बीजों का तेल नारियल के तेल के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर बालों पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। इसके अलावा सिर के बाल को पूरी तरह से साफ करके इंद्रायड के बीजों का तेल लगाने से सिर में काले बाल उगते हैं। यह भरापन का भी एक अच्छा उपचार है। इसके लिए इंद्रायड के पके हुए फल को या फिर उसके छिलके को तेल में उबालकर और छानकर पीने से भारीपन दूर हो जाता है। यह दांत के कीड़ों को भी मारता है। इसके लिए पके हुए फल की हुई भुनी हुई दांतों में देने से दांत के कीड़े मर जाते हैं। यह मिर्गी में भी काफी लाभकारी होता है। इसके लिए इंद्रायड के जड़ के चूर्ण को नाक में डालने से दिन में 3 बार ऐसा करने से मिर्गी रोग दूर हो जाता है। यह खांसी में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए इंद्रायड के फल में छेद करके उसमें काली मिर्च भर के छेद को बंद करके धूप में सूखने के लिए रख दिया जाए और धूप में कुछ देर तक पड़ा रहने दे। फिर काली मिर्च के दानों को रोजाना पीपल के साथ 1 सप्ताह तक सेवन करने से खांसी के रोग में लाभ होता है। यह पेट के दर्द को भी दूर करता है। इसके लिए इंद्रायड का मुरब्बा खाने से काफी लाभ होता है। अगर पेशाब में जलन या फिर दर्द हो तो इंद्रायड की जड़ को पानी के साथ पीस कर और छान कर 5 से 10 ml की मात्रा में पीने से पेशाब करते समय सर का दर्द और पेशाब में जलन खत्म हो जाती है। यह पेट के कीड़ों को भी मारता है। इसके लिए इंद्रायत के फल के गूदे को गर्म करके पेट पर बांधने से आंतों के सभी प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। यह फोड़ा में भी काफी लाभकारी होता है। इसके लिए इंद्रायत की जड़ और मसाले को पत्थर पर खींचकर लेप की तरह इस्तेमाल करने और फोड़े पर लगाएं। इससे फोड़े की सूजन और दर्द ठीक हो जाते हैं। यह कान के रूप में भी काफी लाभकारी होता है। इसके लिए इंद्रायत के कच्चे फल को तिल के तेल में डाल कर पका लें और फिर इसे छानकर एक शीशे में भर ले। अब इस तेल की 1 से 2 बूंदे सुबह और शाम काढ़े में डालने से कान के कीड़े और पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। यह कब्ज में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए इंद्रायड की जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम सौंठ और गुड़ के साथ लेने से कब्ज दूर हो जाता है। यह बवासीर में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए इंद्रायड के बीजों को पानी में पीसकर लेप बनाकर बवासीर के मसों पर दिन में 2 बार लगाने से, ऐसा यदि आप 15-20 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको बवासीर के मसों में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। यह सिर दर्द में भी काफी लाभकारी होता है। इसके लिए इंद्रायड के फल के रस या जड़ की छाल को तिल के तेल में उबालकर तेल को सर पर लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इंद्रायड से होने वाले कुछ फायदे आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।